स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का जिस किसी भाई ने एग्ज़ाम दिया है उनको हार्दिक शुभकामनाएं। उनका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया होया होगा। और दूसरी इसमें न्यूज़ निकल के आ रही है कि बहुत से बच्चों के डाउट था कि डाउट क्या था, अभी बिल्कुल क्लियर था कि पेपर लीक हो गया है। आंसर की सेकेंड शिफ्ट की और थर्ड शिफ्ट की बाहर आ चुकी है। वो 100 क्वेश्चन मैंने भी देखे थे, भी बाकायदा उनको एक एक करके उनके आंसर लिखे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के उसमें ये आ रही है कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। और उन गिरोह ने मान लो भी ये एक्सेप्ट किया है कि हमने पेपर लीक कराने में हमारा हाथ था, चाहे वो किसी तरह से था। और SSC का भी यही सिद्धांत है कि जो बच्चा बिल्कुल तैयारी करके गया है वही ही लगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है कि 13 गिरोह पकड़ लिए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पकड़े गए हैं, और हो सकता है उन्होंने आगे पता नहीं किस किस को पेपर फॉरवर्ड किया होगा। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है जो मेहनत करके वहाँ तक उस मुकाम तक पहुँचे हैं। आज अपने जो परिचर्चाएं करेंगे वो दोस्तों इसमें आंसर की कब तक आएगी, सबसे बड़ी जिज्ञासा आज यही लग रही है कि अभी आंसर की नहीं आई। आज कम से कम एग्ज़ाम हुए 12-13 दिन हो गए हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का किसको फ़ायदा होगा ये भी अपने इस वीडियो में बात करेंगे। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत सी वीडियो बनी है, नॉर्मली उतनी ही रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनेगी, पर फिर भी जो बंदा इस वीडियो को देख रहा है वो भी इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ दे सकता है। अगर अब तक वीडियो आपने देखा है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। और इसी चैनल पर दोस्तों हम ड्राइवर से संबंधित जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो लेके आते रहते हैं। लूसेंट की भी हमारी सीरीज जारी हुई है, और असम पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रही हैं उनके लिए भी हमने महिला बाल अपराध और एक्सपेक्टेड बहुत ही शानदार क्वेश्चनों की सीरीज चलाई हुई है, वो आप जाके प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो टू द पॉइंट मैं अगर देखूँ तो सबसे पहले अपने बात करें कि आंसर की कब तक आएगी। वैसे तो SSC का सिद्धांत रहा है पिछले, आप किसी भी पैटर्न की चाहे टायर 1 टायर 2 CGL CGSL या MPS किसी की भी लिख कर लिख लीजिए दोस्तों, SSC 10 दिन में इसकी जो अपनी आंसर की है वो जारी कर देता है। अब इसमें थोड़ा सा इन्होंने अगर डिले कर दिया है तो मैं यूँ मान के आप चल सकते हो कि नवंबर, जो कि आज 1 तारीख है, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसकी आंसर की देखने को दोस्तों मिल जाएगी। 13 लोग गिरफ्तार किए गए दोस्तों, और समथिंग 1400+ पोस्टें थी। यूँ मान के चल सकते हो 20 गुना 28,000 बच्चे पास किए जाएंगे फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के लिए। तो 28,000 बच्चे दोस्तों बहुत बन जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। भी समथम यूँ समथिंग आप यूँ मान के चल सकते हो कि 30,000 के लगभग बच्चे पास किए जाएंगे। और फॉर्म अप्लाई किए गए थे 1,94,600 समथिंग, और उसमें से दोस्तों 1,14,000 और 600 ही बच्चे पेपर दे पाए थे, बाकी एबसेंट रह गए थे। यही इन्होंने बहुत से बच्चों ने RTE लगा के ये पूछा है कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, तो यही निकल के आया है। बात करें अपने आंसर की तो मैंने आपको बता दिया कि नवंबर के फर्स्ट वीक में 6 या 7 तारीख तक लास्ट, हो सकता है 1-2 दिन में ही नोटिफिकेशन निकाल दे, पर जहाँ तक उम्मीद है कि नवंबर के इस हफ्ते तक ये आंसर की अपने को दे देंगे। नॉर्मलाइजेशन को किसका फायदा होगा ये भी बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो इजी लेवल था, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ भी नॉर्मल पर्सन पूछे गए थे। चाहे मैथ का ले लीजिए, चाहे आप GK GS का ले लीजिए, चाहे रीजनिंग ले लीजिए, और चाहे ड्राइवर पार्ट का ले लीजिए। उसके बाद जब सेकेंड शिफ्ट अपने को देखने को मिली, क्योंकि एक ही दिन में SSC ने टोटल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, तो सेकंड शिफ्ट जब देखने को मिली तो सेकंड शिफ्ट में अपने को थोड़ा सा हार्ड या मॉडरेट देखने को मिला। आप यूँ कह सकते हो कि फर्स्ट तो इजी थी ही, कोई शक नहीं है। सेकंड
थर्ड प्लस मॉडरेट था, लेकिन जाते जाते थर्ड शिफ्ट अगर आपको देखने को मिले तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि बिल्कुल हार्ड थी। वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हुए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो पिछले सालों से चला आ रहा है वही नॉर्मलाइजेशन जैसा होएगा। अगर आप ओवरऑल गलती ज़्यादा कराते हो तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नुकसान होएगा, उनको नुकसान ज़रूर होएगा, पर बट अगर आप जितने आ रहे थे उतने करके आए हो तो आप यूँ मान के चल सकते हो कि थर्ड शिफ्ट में आपको 10 से 12 नंबर इंक्रीज देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात नोट कर लीजिए। अगर रही बात सेकंड शिफ्ट की, तो सेकंड शिफ्ट में आपको 5 से 7 नंबर प्लस में मिलेंगे, और इजी वर्डों को मैं 1 से 2 या माइनस भी कह सकता हूँ या प्लस भी कह सकता हूँ, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि SSC का सिद्धांत रहा है कि वो सभी को बराबर का दर्जा देना चाहता है, वो ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ। तो ये रही अपनी नॉर्मलाइजेशन की बात, बाकी आप फार्मूला अगर चेक करना चाहते हो तो फार्मूला SSC की साइट पर या किसी भी एग्जाम में पीछे नीचे लास्ट में दिया हुआ है। क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, बहुत से बच्चों को डाउट है कि मैं जी 85 करके आया हूँ, मैं 80 करके आया हूँ। मुझे पता है कि हर आदमी 90 प्लस करके आया है, मानते हैं, लेकिन आंसर की आएगी, मैं गारंटी देता हूँ, घटते 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 आप 70 तक आ जाओगे, क्योंकि अपने को अभी ओवरऑल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप करके क्या आए थे। आप नोट करके देखिए, आप अपने आप से जाके पूछ के देखिए कि आपका पहला ट्यूशन कौन सा था, नहीं याद आएगा। अगर ट्यूशन याद आएगा तो चार ऑप्शन कौन कौन से थे आपको नहीं याद आएगा। तो अगर आप पहला ट्यूशन ही अपने इतना याद नहीं कर सकते तो सपोज करके देखिए 100 के 100 क्वेश्चन किसी अपने को याद रखेंगे नहीं है। पेपर देखेंगे पटाक से याद आएगा मैं इसका ये करके आया था। तो यही है दोस्तों, भी सिर्फ अपना ओवरऑल है, हर बच्चा मोटिवेट ना हो, डीमोटिवेट ना हो कि यार वो तो इतने कराया, नहीं भाई साहब कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर आप गलत कम करके आए हो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और अगर आप गलत ज़्यादा करे आए तो नॉर्मलाइजेशन का आपको फायदा कम मिलेगा, और वो जो पीछे वाला जो कम करके आए वो आपसे आगे निकल जाएगा। कहते हैं ना भी अगर बच्चों की संख्या कंपटीशन ज़्यादा हो, एक एक नंबर इंपोर्टेंट हो जाता है। अगर कोई एक हार्ड पर्सन आप करे आते हो तो दोस्तों कम से कम आप एक हार्ड पर्सन अगर कर जाते हो तो 1 लाख बच्चों से आगे निकल जाते हो। अगर कंपटीशन थोड़ा सा लेवल का हो, 15-16 लाख बच्चों ने फार्म किया हो, यहाँ तो अपने चलो मैं नहीं कह रहा कि इतने फार्म लाइफ में, तो क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यूँ मान के चल सकते हो जनरल की और OBC EWS SC और ST। जनरल की अगर आपने दोस्तों कट ऑफ देखें तो अगर आप 60 से 62 ट्यूशन सही कर लेते हो आंसर की मिलाने के बाद, तो आपको फिजिकल के लिए आराम से बुलाया जाएगा। इसमें प्लस माइनस 2 हो सकते हैं। OBC की अगर देखा जाए तो 55 से 57 के बीच में प्लस माइनस 2 आप कर सकते हो, और EWS की लगभग सेम सी रहती है दोस्तों, क्योंकि कई बार ज़्यादा चली जाती है, और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। और SC के लिए अगर आपने देखें तो 52 से 55 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, और 50% से डाउन तो नीचे जा ही नहीं सकता। अगर कैंडिडेट बिल्कुल कम हो तभी मैं कह रहा हूँ, नहीं तो 50% हासिल करना कोई भी किसी भी विद्यार्थी के लिए मान लो भी कठिन ही होता। दोस्तों 50% ओवरऑल अगर आपने देखा जाए तो हर एग्जामिनर इतने आसानी प्रश्न डालता है जो कि उसको पता है कि 50% तो वो कर लेगा, मेरिट बनती है उससे ऊपर तक की। तो ये थी अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपके ये वीडियो कैसी लगी, और आंसर की जारी होने के बाद आप हमें नंबर इस कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।